वही हाँ उसी समय का ऊपर वाह वाह नरसिंह मेहता की जब पत्रिका मिली हाँ नरसिंह मेहता भगवान का याद कहता जाए हाँ कन्हैया हाँ जितो भी मायरो लिखे हो हाँ तू को लाउनु ची लाउनु पड़ा गा ये की फिकर तू का छे हाँ मौको नहीं 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 कि मंदिर में नर मेहता जी भजन करा हाँ नानी भाई को मायरो सावर भरा वाह भाई वाह मोटा भाई हाँ पत्रिका भगवान का चरण में धर दी तुलसी के परिक्रमा लगाई ली हाँ फिर भगवान का हेर करो कसा कन्हैया ओ या मायरा की पत्रिका थारा जग धरी रोज हाँ अगर लई न मायरो लई हो जाए आउनो छे येता मा नरसिंह जी का हाँ नानी भाई की सासू विचार करने लगी कई करी रहा ये अपना यही जी ने को दे दे रहेगा जब भी तक ना तो अपना ने भोजन को पूछे ना हो कोई लेना गयो नहीं नहीं एक छोरी का भेजी बेटा जाजे नो बाबा आयल छे ना गांव बाहर हाँ उनका लाइन अपना राज दरबार हवेली के अंदर आउजे आउजे और कही जे की तुमको भोजन का लेने बुलाया हाँ अब उसी समय का ऊपर हाँ नरसिंह मेहता छोरी की बात सुनी हाँ नरसिंह मेहता ने जितनी गाड़ी अपने ट्रेन गाड़ी को घुमाई वाह वाह क्योंकि देखा खाली नरसिंह मेहता बाकी सब साठ था हाँ सोलह नगे डीपी तो बोरगांव से भोलगांव तक साठ ही पड़ी वाह वाह उनको देखा तो हाँ आप जितने गड़ी नरसिंह मेहता सब नग लाई ना हवेली के अंदर गया हाँ भोजन कलने आयन जी कहने लगे मेहता जी ने हाथ जोड़िया वाह तो नानी भाई की जो सासुर है नी उन्हें आरती के अंदर कंकुली और नरसिंह मेहता का तिलक लगाने लगी और हाथ जोड़ी ने कहने लगी मेहता जी हाँ यही जी साहब हाँ तिलक हम तुमको बराबर लगे रही लेकिन एक बात की शर्त छे मारी कई कंकु लगे रही नहीं तो हम नेम का पैसा लगे हमारी आरती लगा गा नेम का नरसिंह मेहता ने बात सुनी तो सोलह संत कही दियो कई भी नहीं देवांग कई माए कई देवांगा आसा चली आया बाबा का बच्चे हाँ नरसिंह मेहता ने जब कहो हाँ ये हमारी तुलसी की माला लीजो हाँ और भगवान को तुम भी भजन कर जो बिल्कुल ये का सिवाय हमारा पास आयन जी देना का कहीं नहीं रहो कहीं नहीं है नानी भाई के सासु ने बरड़ा दिसन कोको पहुंची दियो हाँ नरसिंह मेहता का है हाँ अच्छो रहो करुणा की तीसरी लहर आई नहीं 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 डोकरी अडबई जाती अबे जाती मोटा भाई हाँ नरसिंह मेहता विचार करने लग्या कसा एक थोड़ा सा कंको लगाई दियो ताओ के तो बताओ अरे आयन जी हम सोलह संतान का सवा सवा शेर चंदन लगा वाह भाई वाह जितेन भाई अरे समय का अभाव में नरसिंह मेहता हवेली के अंदर गया गया भोजन की जान थाली परसी अपनो समय देख लीजो मेहता जी कहने लगे हाँ कि पहला हम स्नान करांगा हाँ फिर जगह बाद भोजन करांगा बिल्कुल भगवान की कोई योग माया हुई हाँ तो गरम पानी दियो हाँ पर नहावो तो हड़कार रही जे हाँ बाकी सब वही जे सब ठंडो पानी नहीं मिला हाँ नरसिंह मेहता जी ने भगवान से अरज करी कसी उसी समय का ऊपर हाँ कि मेहता जी ने करुणा करी दो घड़ी मुसलधार वर्षण लगे भादव की लगाई दी झड़ी जोन नरसिंह श्रीजंग जी के हवेली का अंदर हाँ ये तो पानी पड़ियो हाँ कि सब मेजबान ने देखो याव में डाई करी 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 बेटा बटी है हो आप जितनी घड़ी ऊपर से पानी पड़ियो हाँ आप खाली पानी पड़ा तो खाली क्या कर यही जी की हवेली को वाह भाई बाकी पूरा नगर अंजार में नहीं पानी पड़ो नहीं पड़ा तो जो भी कुर्चिन लगे लगे नहीं आई जी जय जी फौजी पटेल था की हाँ ढाई करीन बेटा पटेल था हाँ जितनी घड़ी ऊपर से पाड़ी पड़ियो हाँ तो काला काला पलाड सबने का दौड़ा हुई का सब जय का बेटा जय जी समझता तू और फौजी निकल गया वाह भाई वाह ये तामा नानी भाई की दुई ननन की छोरी ना नान नानी राय हाँ दौड़ती दौड़ती आई हवेली के अंदर आंगणा में तो पानी जितेन भाई छाती छाती हाँ दुई छोरी ना डूबी ना अपना प्राण पंखेर उड़े दिया वाह भाई नानी भाई की ननन फिर कहने लगी कई भाभी साहब तुम्हारा पिताजी आया इतनी बारिश है कि मारी दुई छोरी ना संसार छोड़ी ना चली गई हाँ अब तुम्हारा घर हम भी देखो कि तुम्हारी छोरी को याव कसो हो जाए कसो होगा नानी भाई दौड़ती गई ना पिताजी हाँ अरे तुम ना आसो काई काम करियो कि मारी भाणीज ना का प्राण उड़ेगा वाह भाई नरसिंह मेहता भगवान को ध्यान करियो दुई तुलसी का पत्ता लिया जितेन भाई हाँ। भगवान सलक राम की मूर्ति का जगह दुई तुलसी का पत्ता धरिया वा 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 तीन बार भगवान सलक राम को ध्यान करियो तीन बार पानी फेरियो हाँ। भगवान का जोड़ीन कहेगा तू लाज राख जे तू नज मगे बेजियो हूं तो अच्छो बठेल तू बठेल तू मारी टापरी का अंदर जितेन भैया हाँ नानी भाई कह बेटा भगवान की मूर्ति का पास दुई पाए ना का पास अंगूठा ना पुद्यो तुलसी का पत्ता धरेल छे नी हाँ। उठे ने ले जाजे थारी भाणीज ना का मुंडा का अंदर धर दीजे हाँ। बुखार बिंद का अंदर भगवान को ध्यान कर जे हाँ। जितेन भाई आसो चमत्कार होयो कि दुई छोरी जिंदगी की सावरिया सेठ की जय हो फिर नरसिंह मेहता
अपने गोठान के ऊपर आया, भोजन प्राप्त करियो। हाँ। नरसिंह मेहता का भोजन का अंदर वासी खिचड़ी दी। हाँ। नरसिंह मेहता विचार कर करे सवरिया। हाँ। हम कलन वासी गाँव बोलू तू कुछ गवाड़ा। बिल्कुल। फिर तेन का वो तुलसी को पान धरियो। हाँ। फिर भोग लगायो लगाई और हमारो सबय नसे हाथ जोड़ी निवेदन से जीजी होन। हाँ। कि भगवान को करी भोग लगावो तो आसो भोग नहीं लगाओ कि कटोरी में चार एक शक्कर का दाना दच किया। हाँ। तुलसी पान टोना है क्यों। हाँ। आन पानी तीन का फेरिन घंटी हो जाड़ी भगवान का कौन थार मन हो जीम ने दू रोटी में ज्यादा घूम आसो भोग नहीं लगाओ भगवान को दो मिनट भोग की बात। कि सीता राम आई राधे श्याम आई मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम आइए राधे श्याम आइए भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए कन श्याम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीता राम आइए राधे श्याम आइए मेरा भोजन श्याम आइए राधे श्याम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए हमें श्याम आइए राधे श्याम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए राधे श्याम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ज्यादा समय नहीं साहब नहीं है जितेन भैया। हाँ। नरसिंह मेहता फिर भगवान को ध्यान करा। बिल्कुल। वासी खिचड़ी दादा उन पांच पकवान का अंदर बनाई दी। हाँ। धन्य छे नरसिंह मेहता थारी भक्ति धन्य छे थारी लीला। वाह 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 वाह। फिर इधर नानी भाई ने विचार करियो कसो पिताजी। हाँ। आज कदी मायरो नहीं आयो नहीं 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 तो सरवर की पहाड़ का ऊपर कुंडी लेने जाऊंगा हमारा प्राण पंखेरु उड़े दूंगा दूंगा प्राण छोड़ दूंगा लेकिन पछी नहीं की। नानी भाई ने अपनी छोरी का माथा का ऊपर हाथ फेरियो। हाँ। सासू ससुरा का पाय लग गया। हाँ। और नानी भाई विचार करने लगे कई सर।